उत्तराखंड का चंपावत जिला, यहाँ एक सरकारी स्कूल के कुछ छात्रों ने मिड डे मील में एक दलित महिला के द्वारा बनाए गए खाने को खाने से इनकार कर दिया। मना करने वाले छात्र सामान्य वर्ग के हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के डीएम और पुलिस अधिकारियों ने बच्चों के माता पिता से बात कर उन्हें समझाने के लिए कहा है, साथ ही दोबारा ऐसे करने पर स्कूल से नाम काटने की चेतावनी भी दी है। पूरा मामला आपको बताते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक घटना गुरुवार 19 मई की है। जौलगांव स्थित श्री रामचंद्र राजकीय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल प्रेम सिंह का कहना है कि 7-8 छात्रों ने स्कूल की कुक सुनीता देवी द्वारा बनाए गए खाने को खाने से इनकार कर दिया। इस मामले के सामने आने के बाद जिले के डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने इन छात्रों के साथ एक मीटिंग की। प्रिंसिपल ने बताया, आज डीएम और कुछ पुलिस अधिकारियों ने छात्रों के माता पिता से बात की और उन्हें अपने बच्चों को समझाने के लिए कहा कि वे इस तरह मिड डे मील का विरोध ना करें। इन अधिकारियों ने खुद स्कूल में आकर खाना खाया। हालांकि अभी भी ये 7-8 छात्र खाना खाने के लिए तैयार नहीं है। प्रिंसिपल का कहना है कि उन्होंने खुद भी छात्रों के अभिभावकों से बात की है। प्रिंसिपल प्रेम सिंह ने आगे बताया, हमने उन्हें चेतावनी दी थी कि बच्चों को स्कूल से निकाला जा सकता है। गुरुवार को हुई इस मीटिंग के दौरान छात्रों के माता पिता ने हमें आश्वासन दिया था कि वे अपने बच्चों से खाना खाने के बारे में बात करेंगे, लेकिन उन्होंने हमें छात्रों पर दबाव नहीं बनाने के लिए भी कहा है। इसी स्कूल में पहले भी कुछ छात्रों ने सुनीता देवी द्वारा बनाए गए खाने का विरोध किया था। पिछले साल दिसंबर में स्कूल के 66 छात्रों ने सुनीता देवी के खाना बनाने का विरोध किया था, जिसके बाद चंपावत जिला प्रशासन ने सुनीता देवी को प्रक्रियात्मक खामियों का हवाला देते हुए बर्खास्त कर दिया था। सुनीता देवी की जगह एक सामान्य वर्ग की महिला को स्कूल में कुक के पद पर तैनात कर दिया गया था, जिसके विरोध में स्कूल के 23 दलित छात्रों ने नई कुक के बनाए खाने को खाने से मना कर दिया था। स्कूल के इस एक्शन के खिलाफ सुनीता ने SC/ST एक्ट और IPC की धारा 506 के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया था। इस शिकायत के बाद प्रशासन के आदेश पर सुनीता देवी की दोबारा तैनाती की गई थी। सुनीता देवी का कहना है कि इन छात्रों की इस हरकत से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुनीता देवी का यह भी कहना है कि स्कूल ने उनको कहा है कि जो बच्चे खाना खाएं सिर्फ उन्हीं के लिए खाना बनाएं, बाकी की चिंता ना करें। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथ आयुष ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।